दोस्तों आपने सुना होगा कि इफ देर इज नो पेन नो गेन, मैं कहता हूं इफ देर इज अ पेन मींस नो गेन। यानी मैं आप कैसा रिएक्ट करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि बॉडी जिम में नहीं घर पे बनती है, वो भी आपके सोने से। दोस्तों इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको वीक में कितना रेस्ट करना चाहिए, चाहे आप कार्डियो कर रहे हैं, चाहे आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप इंटेंस फ्लो ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर आप हाई वॉल्यूम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो को तीन सेगमेंट में बांटा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहला सेगमेंट है आपका कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिकवरी, दूसरा है कि क्या होगा अगर आप रिकवरी नहीं करेंगे, और तीसरा कि कौन से वर्कआउट के अंदर आपको कितना रिकवरी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रेम मिश्रा फिटनेस। दोस्तों मुझसे और मेरे चैनल से जुड़े सारी जानकारियों के लिए हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों जब भी हम किसी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो उस पार्ट में पेन होता है, यानी सोर होता है, और इस पेन को हील होने में, ठीक होने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। जनरली 48 आवर्स तो लगते ही लगते हैं। आपने दो बातें बहुत सुनी होगी अपने जिम में ट्रेनर से या अपने दोस्तों से। पहला कि अगर उस बॉडी पार्ट में पेन नहीं हो रहा है, मींस कि आपने वो बॉडी पार्ट अच्छे से नहीं लगाया है। दूसरा कि कोई भी बॉडी पार्ट दोबारा करने के लिए 2 से 3 दिन का उसके बीच में गैप होना चाहिए। तो दोस्त अगर आप उसको रिकवरी नहीं देंगे तो पार्ट बढ़ने की बजाय घट जाएगा। दोस्त जब भी आप रिकवरी नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस में कमी आती है, आपका मूड स्विंग होने लग जाता है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर होने लग जाता है, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। यानी आपको इन सारी चीजों का, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आप रिकवरी नहीं करते। अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, यानी आप हाई रैप्स करते हैं, या फिर आप फेलियर तक जो है रैप्स मारते रहते हैं, इस तरीके की वर्कआउट को आपको वीक में सिर्फ 4 दिन करना चाहिए, यानी 3 दिन आपको रेस्ट देना चाहिए अपनी बॉडी को। दोस्त अगर आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हैं या फिर आप फ्लोर ट्रेनिंग करते हैं, इन दोनों ही सूरतों में आपको कम से कम अपनी बॉडी को 2 डेज रेस्ट देना चाहिए। अगर आप सिर्फ जिम में जाके कार्डियो करते हैं, या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, या फिर अपने डॉग को टहलाने जाते हैं, इन सभी चीजों में आपको 1 दिन का रेस्ट अपनी बॉडी को देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सिर्फ जिम बात करने के लिए जाते हैं, टाइम पास करने के लिए जाते हैं, ट्रेडमिल पे चलते रहते हैं, टीवी देखने के लिए जाते हैं, तो आप रेस्ट दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है, हिट द लाइक बटन, कमेंट करें डाउन बिलो, और दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। टिल देन लव यू, स्टे फिट, रूल द आइस। जय हिंद।